आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपके ग्रुप का लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या है, किस लीडरशिप स्ट्रैटेजी पे आप यहाँ तक आए, थोड़ा वो हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, हमारी जो लीडरशिप स्ट्रैटेजी है वो बड़ी सिंपल और क्लियर है। आज हम एज एन लीडर, हर लीडर को एक ही चीज समझाई जाती है, विदाउट टीम, विदाउट टीम मेंबर्स, इफ यू ट्रीट देम इमोशनली एंड फाइनेंशियली वेरी नाइस, मतलब यू हैव टू बी अंडरस्टैंड योर टीम मेंबर्स इन बोथ द एस्पेक्ट, इमोशनल एंड फाइनेंशियल, यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन योर टीम विल बी लाइक अ फैमिली। सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आप एक परिवार में काम कर रहे हो, ना कि आप नौकरी कर रहे हो, आप एक परिवार का हिस्सा हो, एक कंपनी का, कंपनी इज लाइक अ फैमिली, राइट। अगर ये फीलिंग्स हैं, और मुझे लगता है आज ये फीलिंग्स हैं, इसीलिए हमारे यहाँ रिटेंशन, जो एम्प्लॉय रिटेंशन है, बहुत अच्छा है। कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई शुरू से, वाह वाह। मतलब यू हैव टू बी केयर, टेक केयर ऑफ योर यू नो सबऑर्डिनेट्स। लीडरशिप में हम क्या मेन चीज है कि एक भाई हमको पहले तो ऐसा है कि एक तो हम साहस करते हैं, साहस करने का धैर्य रखते हैं कि भाई साहस तो ये बिल्डर बनना है तो आपको आप में आपको तो साहस करना ही पड़ेगा। दूसरा चीज है यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, 4M बोलते हैं ना, मार्केटिंग मैनेज करना है, फाइनेंस मैनेज करना है, मैन को मैनेज करना है, वो हम अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। दूसरा नई नई चीज करते रहना। आपने एक नई चीज आपको बता दो, आप PhD है रियल एस्टेट में, आपने ये सुना है कभी कि कोई आदमी कितना भी बड़ा कंस्ट्रक्शन हो, 10 टावर हो, 20 टावर हो, आरओ ऑर्डर से कंस्ट्रक्शन हो सकता है? हम लोग ये तो नहीं सुना सर। तो हमने 10 साल पहले स्टार्ट किया था, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अवर प्रोजेक्ट विद आरओ ऑर्डर, कहीं पे भी सॉल्टी वाटर है तो वाटर का हम टेस्टिंग कराते हैं, तो हम कंप्लीट आरओ वाटर से कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन का मेन इश्यू होता है ना, आपको पता होगा, वो सीलन आता है, करता है, तो हम आरओ वाटर से, वी आर द फर्स्ट इन इंडिया जिसने आरओ वाटर से कंस्ट्रक्शन किया। ऐसे हम नया नया तरीका ढूंढते हैं और हमारी टीम को हम लीड करते हैं। देखो, कैश फ्लो मैनेजमेंट करने का, सेल्स का मैनेजमेंट करने का, अलग अलग तरीके से हम टीम को मैनेज करते हैं। और मेन चीज ये की है लीडरशिप में, कंस्ट्रक्शन में आपको साहस करना पड़ेगा। हम तो जंगल में काम करते हैं, जंगल में मंगल करना है, यही हमारा काम। दूसरी बात ये है कि डेवलपर्स किसको बोलते हैं कि जो जंगल में मंगल करे, क्योंकि जनरल पब्लिक वर्तमान की दृष्टि से देखती है और डेवलपर 10 साल आगे का सोचता देखता है, तो नया नया डेवलप जो एरिया होता है वहां पे हम जमीन पहले से लेके रख देते हैं और वहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा मिलता है, रोड रास्ता भी चौड़ा मिलता है, पुराने उसमें जो प्रॉब्लम होता है वो वहां पे सॉल्व हो जाता है, तो इस हिसाब से हम कर रहे हैं आगे। ये ऋषभ बिल्डर की जो ग्रुप है वो एपिक में काम करता है, एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, इंटीग्रिटी है, कमिटमेंट्स हैं, पंक्चुअल और पैशनेट में, मतलब टाइमली डिलीवरी, क्योंकि आज हमने जब जेरा का जब देखा हमने, तो लोगों ने बिल्डर लोगों ने पैसे लिए लेकिन उन्होंने डिलीवरी नहीं दी। सबसे पहले होता है कि किसी की घर की जरूरत को पूरा करना, और टाइमली पूरा करना है तो कस्टमर को डबल चार्ज लग जाते हैं, EMI भी चालू होती है, इंटरेस्ट भी चालू होता है और रेंट भी चलता रहता है, और उसको अपने लाइफस्टाइल को बड़ा पीछे कर जाता है। तो हमने यही सोचा कि मतलब कि किस प्रकार से हम लोगों को सही टाइम पे सही चीजें दे सकते हैं। माई पर्सनल choice is I set examples by doing actions. मैं जितने टाइम मैं अपनी टीम के साथ रहता हूँ या जो भी है, हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि आप कोई भी जूनियर लेवल का एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में नहीं आ सकते, हमसे डिस्कस नहीं कर सकता कुछ भी चीज़। आई रिमेन कनेक्टेड टू द लोएस्ट ऑफ माई टीम, टू द लोएस्ट पोजिशन ऑफ माई टीम एंड टू द टॉप मोस्ट पर्सन ऑफ माई टीम, सो इवन दे सी दैट हाउ मच हार्ड वर्क डू आई पुट इन, एंड अकॉर्डिंगली उनको भी ये चीज रहता है कि इफ ही इज पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट वी शुड ऑल्सो डू दैट, एंड दे आर ऑलवेज वी आर आई एम ऑलवेज ओपन टू देयर सजेशंस एंड आई ऑलवेज रिवर्ट देम बैक एंड दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम मी एंड आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम। एंड प्रोजेक्ट्स कैसे करते हैं, इतना कैसे ऑर्गेनाइज है, दैट इज बेसिकली नॉट लीडरशिप स्ट्रेटेजी बट टेक्निकल नो हाउ। हम लोग सॉफ्टवेयर CRM का डाल रहे हैं, साइट पे टेक्निकल मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं, नए नए चीज नए नए जगह जाके सीखते हैं, वही सब चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब पहले लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट रॉयल आवास तेजपुर, वहाँ पे सारे एग्रीमेंट्स को बैठ के मैं चेक करता था, एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट होते थे, मैं आता डिमांड नोट मैं बना के भेजता था, तो
उन सब चीजों को हटकर फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में हम लोग सीखे कि वी इंप्लीमेंटेड अ सीआरएम, वी टुक इट फ्रॉम सूरत, नॉट फ्रॉम एनी रेफरेंस बट फ्रॉम ऑनलाइन एंड ऑल दैट. सो दैट हेल्प्ड अस अ लॉट, दैट इज स्टिल हेल्पिंग अस. वो सॉफ्टवेयर जो हमने यूज किया सीआरएम के लिए, सारा चीज हमारा आसान हो गया. वैसे ही हम लोग अभी अपने साइट पे मटेरियल मैनेजमेंट के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. इन सब चीजों से ऑर्गेनाइज होते गया, टाइम सेव होते गया सबका, टीम का भी, एंड हम लोग और डिसिप्लिन्ड होते गए, लोगों को सही चीज मिलने लगा. सो वी कुड वी मैनेज्ड आवर टाइम टू फ्यू मोर प्रोजेक्ट्स. वी स्टिल नीड टू वर्क अपॉन इट, एवरी डे वी नीड टू वर्क अपॉन इट. अभी भी हमें बहुत कुछ करना है, बट बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ ऑर्गेनाइज भी करना है हमें.